मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गढ़वा में उमड़ा जनसैलाब। दो दिन की गढ़वा और पलामू की यात्रा हुई समाप्त। जिला के कोने कोने से बड़ी संख्या में जिलावासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद गढ़वा में उनकी यात्रा दूसरी बार रही। यह यात्रा उनकी खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत थी। 8 दिसंबर को गढ़वा और 9 दिसंबर को पलामू में यात्रा किए। 3 साल का कार्य पूरा करने पर वे जिला आकर अपने महागठबंधन के सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। गढ़वा में करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर के द्वारा उनका आगमन हुआ। प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि से मुलाकात की। स्कूल के बच्चों द्वारा उनका स्वागत किया गया। गढ़वा के घंटाघर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का माल्यार्पण किए। गढ़वा स्थित टाउन हॉल परिसर में अमर वीर शहीद नीलांबर पीतांबर जी की प्रतिमा का अधिस्थापन हेतु शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से उन्होंने लोगों को संबोधन किया। देर शाम गढ़वा से पलामू के लिए रवाना हुए। मेदिनीनगर में शहर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। पलामू से अम्बेडकर छात्रावास का निरीक्षण कर वहां रह रहे साथियों से मुलाकात की। 60 के दशक में बना यह छात्रावास जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस छात्रावास की दशा सुधार कर भव्य बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर और अन्य मंत्री मौजूद रहे। पलामू व गढ़वा जिला की संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं। अधिकारीगण धरातल पर इन योजनाओं को उतारने में पूरी सक्रियता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से कोर्ट करें पदाधिकारी, अभियान चलाकर 31 जनवरी तक रेवेन्यू के कोर्ट केसों का निष्पादन करें सुनिश्चित। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बालू एवं पत्थर के अवैध खनन को सक्रियता से रोकने हेतु निर्देश दिया। गढ़वा और पलामू में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान विभिन्न दलों के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झामुमो परिवार का दामन थामा और इस तरह उनकी खतियानी जोहार यात्रा गढ़वा और पलामू में समाप्त हुई। मुख्यमंत्री जी इस कबूतर को आजाद किए थे कि अपने अपने आशियाने की ओर सफेद कबूतर जाते हुए ये हमारे झारखंड की शांति का, हमारे झारखंड की एकता का प्रतीक है। अब हम स्वागत भाषण के लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, हम माननीय मंत्री हमारे कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। गढ़वा शहर का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है त्यौहार धमाका ऑफर। आइए और उधार ले जाइए। 0% ब्याज पर आसान ईएमआई के साथ अपने पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पाए। एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और आरओ आकर्षक दामों पर। हमारा पता है गढ़देवी मंदिर, मेन रोड, गढ़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी फोन करें।